सोचा चलो बुला लेते हैं, मतलब बुला लेते हैं, आएंगे तो है नहीं और शादी कैंसिल हो जाएगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं श्वेता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो ना कोई व्लॉग है और ना ही कोई रेमेडी है, मैं आप लोग के ही डिमांड पे ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि मेरी मैरिज स्टोरी क्या है। तो जी हाँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो उस वीडियो को आप लोग ने बहुत ज़्यादा लाइक किया इसलिए, और मुझे कमेंट भी किया कि आप अपनी मैरिज की स्टोरी बताइए। मैंने आप लोग से पूछा था तो आप लोग ने कहा जी हाँ आप बताइए। तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ये स्टोरी बनाऊँगी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं उनको इस वीडियो में नहीं ला पा रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बहुत सॉरी है, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। तो बस इतना ही है और अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। थोड़ी सी हो सकता है ये स्टोरी बड़ी हो जाए, तो थोड़ा टाइम लेके पेशेंस लेके बैठिएगा, और हो सके तो एक कप चाय ले लीजिए फिर बैठिए, आराम से बैठ के सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 2011 की। जी हाँ, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन आप लोग को ये बताया था। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं अगेन अपने वीडियो का प्रमोशन कर रही हूँ, मेरे चैनल पे जाइए और मेरा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, तो बात करते हैं, हमारी शादी 2011 में हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिले कैसे। मैं रहती हूँ कानपुर के पास फतेहपुर यूपी में, और मेरे हस्बैंड रहते हैं मेरठ में, तो और जॉब करते हैं मर्चेंट नेवी, सभी कुछ आप लोग को पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिले कैसे। मिले हम लोग ऐसे कि हमारे घर में, मतलब मेरे घर में एक, मतलब शादी के लिए जो होता है वो एक मैगज़ीन होती है, स्वर्णकार पत्रिका टाइप से, आप लोग में से किसके यहाँ आती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो पत्रिका जो है, वो जो मैगज़ीन है वो मेरे घर आती है। ओके, तो मतलब वो आती थी क्योंकि शादी होनी थी और मम्मी पापा देख ही रहे थे रिश्ता, क्योंकि शादी होनी है। और मैं उस टाइम कर रही थी बीलिब, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कानपुर से। तो मैं रहती थी हॉस्टल में और शादी के लड़का तो देखा ही जा रहा था, क्योंकि टाइम, मतलब मम्मी पापा तो देखने ही लगते हैं, 1-2 साल लग ही जाता है जो वो चाहते हैं वैसा लड़का मिल जाए। तो लड़का देखा जा रहा था मैगज़ीन में, ऐसे ही इन देखने लगे तो इनका उसमें एक मतलब मिल गया कॉलम, फ़ोटो लगी हुई थी इनकी, इनकी सारी क्वालिफिकेशन लिखी थी, दिस 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 ये करके। तो मम्मी पापा ने देखा, फिर मम्मी पापा ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि इनकी जॉब थी मर्चेंट नेवी में, और मेरे मम्मी पापा ये चाहते थे कि लड़की लड़का हमेशा साथ रहे, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे इस जॉब को लेकर के कि इस जॉब में लड़के भी अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं शिप पे। तो हम लोग को इतना नहीं मालूम था, मतलब मर्चेंट नेवी के बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता था, तो हम लोग ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मेरे भाई ने मेरा अकाउंट बनाया था जीवनसाथी.com में, तो उसमें भी उन्होंने देखा, उसमें भीन का अकाउंट बना हुआ था, फ़ोटो शोटो लगी थी, सारी क्वालिफिकेशन थी, सब कुछ अच्छा था। मेरे भाई ने देखा तो मेरे भाई को अच्छा लगा, फिर मेरे भाई ने पापा से बात करी, बताया ऐसा ऐसा है, तो फिर देखा गया कि हाँ चलो एक बार, भैया ने कहा एक बार चलो देख लेते हैं, बात करते हैं फ़ोन पे। तो मम्मी ने कहा, पापा ने ठीक है आप बात कर लो, तो मेरे भाई ने फ़ोन पे बात करी। उसमें इन्होंने देखा था मेरे भाई ने कि इनका बर्थडे होता है 24th February में, और बात भी उसी दिन की थी 24th February को। तो मेरे भाई ने विश किया तो इनको बहुत अच्छा लगा कि अरे मतलब लड़का तो बड़ा पंचुअल है, मतलब बड़ा सिंसियर है, कि लड़की का भाई बहुत पंचुअल है कि उसी दिन फ़ोन किया और काफ़ी टाइम पहले मेरी बातचीत हुई थी और मेरे बर्थडे को मेरे विश भी किया, तो इन्हें लगा बड़ा याद था इनको, तो इनको अच्छा लगा बात करके मेरे भाई से। फिर उसके बाद 2-3 दिन मतलब ऐसे ही निकल गए, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर अचानक से मेरे मम्मी पापा, मतलब भैया ने मम्मी पापा से कहा कि एक बार आप लोग बात करिए, बुला मतलब देखाइए जा कर के। तो फिर बोला गया अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे पापा ने मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया, मतलब मेरे हस्बैंड के पापा को फ़ोन किया, बातचीत हुई। तो क्या फिर दोनों फैमिली में जो भी कंसर्ट हुआ हो, जो भी बातचीत हुई हो, तो उन्होंने ऐसा कहा अच्छा ठीक है आप लोग एक काम करिए, आप लोग लड़की लेकर के मेरठ आ जाइए। तो मतलब पहले हम लोग सरप्राइज हो गए, लड़की लेकर के आ जाइए, कौन लड़की लेकर के जाता है भाई एकदम से फर्स्ट टाइम अचानक, कौन लेके जाता है।
तो फिर मेरे उस समय पापा ने कुछ नहीं बोला और बोला ठीक है फिर हम आपको बताते हैं कि आना है या नहीं आना है। तो फिर बस फिर हम लोग ने अपने घर पे, मतलब मेरे पापा ने अपने मेरे घर पे, मेरे ताऊ जी, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो मेरी जॉइंट फैमिली में मेरे ताऊ जी लोगों से डिस्कस किया, दादी से डिस्कस किया, तो मेरे ताऊ जी भी बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है, आजकल देखो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, देखते हैं, ले चलते हैं, लड़की को भी ले चलते हैं, मतलब बेटी को, मुझे बुलबुल को भी ले चलते हैं, मेरा निक नेम बुलबुल है, तो ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे ना तो टिकट मिलनी थी, क्योंकि उस टाइम था होली का टाइम, हाँ होली का टाइम था, मार्च चल रहा था और टाइम बिल्कुल टिकट भी नहीं मिलती। मैं थी हॉस्टल में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। रात में मुझे फ़ोन आया, किस दिन मुझे फ़ोन आया, आया मुझे, हाँ 11 12 मार्च पे मुझे फ़ोन आया कि बुलबुल घर आ जाओ, काम है। तो मैंने सोचा इतना अचानक, इतना अर्जेंट, ऐसा क्या काम है जो मुझे जल्दी से बुला लिया गया। तो कहा बस सुबह ही आ जाना, कॉलेज नहीं जाना है, घर आ जाना। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। फिर मैं सुबह उठी, फटाफट से रेडी वेडी होकर के मैं फटाक से फतेहपुर आ गई, अपने घर आ गई। तो पता चला कि आज पूरी तैयारी करनी है, सॉरी, आज पूरी तैयारी करनी है, रात में आज हमें निकलना है मेरठ के लिए, और वो भी बाई रोड जाना है। मेरे पापा ने कार बुक कर ली, बड़ी गाड़ी बुक करी, और हम लोग बाई रोड फतेहपुर टू मेरठ जाने लगे। रात में, मतलब हम लोग सुबह निकले होंगे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास निकले हैं हम लोग। रात में पूरी तैयारी कर ली और नाश्ता पानी खाना सब कुछ रख लिया, जो उनको उनके यहाँ ले जाना था, मिठाई मीठा या जो भी सब कुछ था, वो सब तैयारी कर ली गई, और रात में हम लोग निकल गए मेरठ के लिए। तो बस निकल गए हम लोग, ना तो कभी मेरठ गए थे, मतलब इतना दूर था, कम से कम 400 साढ़े 400 किलोमीटर है बाई रोड का डिस्टेंस जो है वो। तो बस रास्ता भी नहीं पता था, जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे शाम को 7:30 बजे। और ये लोग उस दिन वेट कर रहे थे, 14th ऑफ जून, सॉरी 14th ऑफ मार्च में हम लोग वहाँ सुबह पहुँचे हैं, मतलब 13th की रात में हम निकले हैं और 14th की सुबह हम वहाँ पहुँच शाम को पहुँचे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लोग सुबह से शाम दोपहर से वहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये लोग आएंगे, इनको लंच कराएंगे क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं, ये वो कर। 7:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हम लोग सब लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे, लेकिन रास्ते में हम लोग उतर के थोड़ा फ्रेशन अप हो लिए थे, फेस वॉश कर लिए थे और थोड़ा सा मतलब चाय नाश्ता कर लिए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मतलब ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये बढ़िया सूटेड बूटेड होकर के, एकदम टिप टॉप होकर के बैठे हुए थे। मैं पैदल, हम लोग मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बाहर आ गए थे हम लोग को रिसीव करने के लिए। फिर जब हम लोग अंदर जाने लगे तो हमारा फर्स्ट मीटिंग जो हमारी थी वो 7-Eleven में थी मेरठ में। अगर आप लोग मेरठ के हैं तो आप लोग जानते होंगे 7-Eleven कहाँ पर है। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 7-Eleven में थी, और तो मैं जब वहाँ ऊपर चढ़ के देखी तो बड़ा बहुत स्मार्ट सा लड़का, बंदा प्यारा सा, मतलब बहुत सूटेड बूटेड होकर के वहाँ बैठे हुए थे, और मैं तो सिंपल सा टॉप और जीन्स पहन करके आई थी क्योंकि ट्रैवल करना था। तो फिर ये हुआ कि मम्मी ने कहा मेरी कि चेंज कर लेती है, बुलबुल चेंज कर लेगी। तो वहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम था, वहाँ मतलब चेंजिंग रूम था, वहाँ मैंने जा करके अपनी ड्रेस चेंज करी। अगर मुझे वो फ़ोटोज़ मिली ना तो मैं यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। और हाँ, फिर जब इन्होंने देखा तो ये बोले, सोचे मन में कि मतलब इन्होंने बाद में मुझे ये सब बताया कि मैंने सोचा तुम तो बहुत दूर से आई हो, बहुत थक गई होगी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगी और एकदम अजीब सी होगी, बस मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत स्मार्ट लगी, मतलब ऐसा ऐसा इन्होंने मुझे बाद में बताया। तो और हाँ, थोड़ा मैं पीछे आपको बताना भूल गई कि जब मेरे भाई ने बातचीत करी ना, तो मेरे भाई ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी इनको, लेकिन वो फ़ोटोज़ ऐसी थी ना, प्रोफेशनली फ़ोटो नहीं खींची थी कि शादी के लिए फ़ोटो खींचनी है या कुछ भी ऐसा, तो ऐसी फ़ोटोज़ नहीं खींची थी, नॉर्मल घर पे ऐसे ही कभी छत पे खींच लिया, कभी कुछ भी, तो वो फ़ोटोज़ इनको सेंड कर दी थी। अगर मुझे वो फ़ोटो मिली तो मैं वो भी इसमें आपको लगाऊंगी। वो फ़ोटो देख करके इनका क्या रिएक्शन था, इनका रिएक्शन ये था, पता नहीं कहाँ गाँव में रहती है, गाँव की लड़की है, मतलब वो फोटो ऐसी थी ना, प्रोफेशनली नहीं थी, वो छत पे ऐसे ही ईंटों पे दीवार के आगे खड़े होकर के वो फोटो खींची थी। तो इन्होंने सोचा चलो सॉरी, इन्होंने सोचा चलो बुला लेते हैं, मतलब बुला लेते हैं, आएंगे तो है नहीं और शादी कैंसिल हो जाएगी, टल जाएगी, इनके मन में ये था, इन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई थी। अब ये चाहे जो भी बोले, लेकिन इनके मन में यही था कि चलो बुला लेते हैं, देखते हैं।
तो भाई हम लोग आ भी गए और जब देखा हम लोगों ने तो सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर इन लॉ और ये थे वर्मा जी मेरे हस्बैंड, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा, नाश्ता स्नैक्स हुआ, बातें बातें हुई। अब भाई बातें स्टार्ट हुई तो अब शुरू हुआ क्वेश्चन का सिलसिला भाई जब। और हाँ, हम लोग गए थे मेरे मम्मी पापा ताऊ जी और मेरा भाई और मैं, ये पांच लोग हम लोग गए थे मिलने के लिए, इनके यहाँ से चार लोग थे। तो अब भाई क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो गया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। कौन? ये वर्मा जी मेरे हस्बैंड मेरे से इतने क्वेश्चन कर रहे थे, वो इतने क्वेश्चन कर रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी ना कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही थी। मतलब एक्चुअली मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने इनको दिया नहीं, जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया मेरे भाई ने दिया और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बस मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा कि खाना बना लेती हो, तो मैंने कहा खाना बना तो लेती हूँ मगर मुझे बनाती नहीं हूँ, तो बस मम्मी ने मुझसे इतना ही पूछा था और तो ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ मम्मी पापा की तरफ से। पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, ये सब था, तो बस इतना था। और फिर बातें बातें हुई, डिनर हुआ, डिनर करते करते काफ़ी लेट हो गया हमें और फिर कोई ऐसा कुछ खाना नहीं हुआ और फिर हम लोग 10:30 बजे के आसपास डिनर करके हमारा प्लान हुआ अब हम निकलेंगे। अब जब हम निकलेंगे और हाँ, बीच में इसके पहले जब बातें बातें हो गई तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठी थी, जैसे ही मैं उठने लगी तो मुझे एकदम से चक्कर आ गया और मैं हेड डाउन करके टेबल पे लेट गई, जहाँ पे वो टेबल होता है ना डिनर टेबल, वहाँ पे मैं सर रख के नीचे लेट गई। किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे वर्मा जी जो है वो पीछे दौड़ करके आए और बोले अरे क्या हो गया आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैंने कहा यार बड़ा केयरिंग बंदा है यार, तुरंत किसी ने नहीं नोटिस किया और ये तुरंत आ करके मेरे को ऐसा बोल रहा है, यानी बहुत केयरिंग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर ये सब हुआ और फिर इन लोगों ने बोला अब आप मत जाइए, काफ़ी लेट हो गया है, यहीं पे होटल में रुक जाइए या हमारे साथ घर पे चलिए, रह जाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग ने कहा नहीं हम लोग रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट डे मेरे पापा का ऑफिस था, उनको जाना था ऑफिस, तो फिर हम लोग रातों रात निकल लिए और हमारी गाड़ी थी, ड्राइवर था, फिर जैसे वैसे तैसे करके हम लोग निकले। चलते चलते इन्होंने हमको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स सब कुछ दे दिया कि आपको रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो। तो तब भी मुझे लगा हाँ यार बड़ा केयरिंग है, मतलब बहुत केयरिंग लोग हैं, काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह से करके हम लोग गाड़ी में बैठ गए और बस फिर चले आए हम लोग वापस, पहुँच गए। नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए दिन में, थोड़ी देर रास्ते में रुके उके थे कि आराम रेस्ट कर लें, ड्राइवर भैया भी थे, तो फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे आकर के मैं चली गई अपने हॉस्टल और सब अपने अपने काम में लग गए। जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन रात में हमें फ़ोन आया पापा जी का कि हमें लड़की पसंद है और हम शादी करने को तैयार हैं। तो ऐसा था और इनको मैं पसंद आ गई थी, हम सबको भी ये अच्छे लग गए थे और मैं भी इन सबको, इनके घर में भी पसंद आ गई थी, तो सब कुछ करके हो गया सब। अब बात ये आई कि शादी हमें जल्दी करनी है, शादी इन दी सेंस जल्दी करनी है। अभी तो मार्च में हम मिले हैं, बोला गया चलो अप्रैल में इंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद शादी कुछ दिनों बाद कर लेंगे, ऐसा हमारे घर में बोला गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, रोक का पूरा कर लो, मतलब रोक लो लड़की को, उसके बाद फिर शादी तो 4-6-10 महीने बाद भी की जा सकती है, तो ऐसा हम लोगों ने बोला। तो इनकी तरफ से हुआ नहीं जल्दी हुई कि शादी भी हमें जल्दी करना है क्योंकि लड़के को शिप पे जाना है और शादी करके जाना है। तो अब भाई शादी इतनी जल्दी कैसे हो, एक ही लड़की हूँ मैं अपने घर में, मतलब एक ही पापा की मैं एक ही लड़की हूँ, सब सबके अपने अपने अरमान होते हैं, अच्छे से करना है ये वो करके। तो हम उन्हें बहुत फोर्स किया बट इन लोगों ने कहा नहीं शादी हमें जल्दी करनी है। तो फिर रिश्ते मतलब चलता गया, पंडित से बात बात की गई, डेट निकल आई, हमारी इंगेजमेंट मिले हम 14 मार्च को, 10 अप्रैल की हमारी इंगेजमेंट निकल आई। अब भाई 10 अप्रैल तुरंत ही, एक महीना भी नहीं था, 10 अप्रैल में हमारे यहाँ फतेहपुर से हमारी इंगेजमेंट हो गई, जिसकी मैंने पहले भी अपना वीडियो डाला है, वो हमारी इंगेजमेंट हो गई। उसके ये लोग सब लोग आए थे, इनकी फैमिली वाली बुआ चाची ताई मतलब मामी जी लोग फतेहपुर आए थे वो लेकर के, सगाई लेकर के। फिर उसके बाद शादी की डेट निकली हमारी 6 मई,
तो 6 मई मतलब 6 मई में हमारी शादी निकली, लेकिन फिर पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से वो 12 मई में चेंज करा दी गई। तो 12 मई को हमारी डेट निकल आई शादी की। मैं हॉस्टल में थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, उन सब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी फ़ोन में, हम कभी नहीं मिले उसके बाद। मतलब शादी लोग तय होती है, मिलते हैं, बातें करते हैं फ़ोन पे। अब मेरी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मेरी पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है कि बात भी नहीं हो पा रही है। मतलब बहुत कुछ चल रहा था उस सब बीच में, बहुत कुछ चल रहा था। तो ये सब हुआ पूरा, मिले मतलब कुछ नहीं मिले विले नहीं। शादी के 1 हफ्ते पहले मैं कानपुर से फतेहपुर आई। और हाँ, जब मैं एग्ज़ाम के बीच में मेरे मम्मी पापा मतलब मम्मी मेरी आती थी कानपुर से, हमने शॉपिंग की थी अपनी शादी की। तो 3 दिन मैंने सिर्फ अपनी शादी की शॉपिंग की थी। 1 दिन मैंने कपड़े खरीदे थे, 1 दिन मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, और लास्ट जो 3rd डे था उसमें मैंने सारी चुटर पुटर चीज़ें खरीदी थी, जैसे लड़कियाँ जो ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें। तो 3 दिन में मैंने अपनी शादी की पूरी शॉपिंग पूरी की थी, और 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम दे करके मैं वापस आई थी अपने घर फतेहपुर। तो ये सब हुआ, और फिर 1 हफ्ते पहले शादी के मतलब 1 हफ्ते पहले क्या होता है, तब तो उट्टन मेहंदी ये सब शुरू हो जाते हैं, सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं, उट्टन लगने लगता है, लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है। तो बस यही सब था, और फिर तैयारी व्यारी होती रही। ज़्यादा बातचीत तो खैर नहीं होती थी फ़ोन पे, होती थी पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी शॉपिंग में, घर की तैयारी में, और जो थोड़े कुछ वो सब होते हैं रिचुअल उन सब में। तो ऐसा ऐसा करते करते हमारी शादी हो गई 12 मई को, और बस फिर 12 मई को शादी हो गई, फिर मैं घर आ गई अपने ससुराल, और हो गई शादी बस ऐसे ही। तो ये थी छोटी सी हमारी शादी की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं चाहती थी इनके साथ वीडियो बनाना, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई चल रही है, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी। तो बस, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप अपने इसको फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो बस इतना ही था, मेरी मैरिज स्टोरी इतनी ही थी, और बस। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको कल अपने एक और ब्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।